पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोला भाई कई दिन हो गए, कित रहा एक महाराज जी आके कल तो मेरी माँ का श्राद्ध था, मैं जात को नान पा। अच्छा और जी तड़के कौन फिर और भी नहीं आऊं? क्यों तड़के मेरे बाबू का कनागत से। अच्छा भाई की करा करो कनागत में कि पंडित जी आवेगा और भोजन तैयार करेगा और वो भोजन पा लेगा, कथा कह लेगा, फिर हम भोजन पावेंगे। तो हो जाएगा कि नू कहे हैं हमारे पिताजी को जो कि साल भर फिर भूख ली और मुक्त हो जाएगा बिलाच। भाई नो करिए काल पंडित जी रोटी राटी खा ले, अपना सारा काम कर ले, जब दो आदमी एक रोटी ले आइए। अब उस भगत जी ने सोचा कि महाराज जी खांदे होंगे इसलिए मंगाओ। सारा काम पंडित जी ने कर लिया, अपना खाना भी खा लिया और वो सब भोग भाग लगा लिया और सारे कथा लटोटर करके वो चला गया। जब एक लोटे में खीर आठ सात रोटी ले करके छालने में बांध कर और वो भगत जी आ जाते हैं। गरीबदास जी अंदर आ गया, लो गुरु जी महाराज जी में भोजन ले आया, अक आ जा। महाराज जी उसको लेकर उनके खेत में चले गए गरीबदास जी, और लेट सी थी उनके खेत, एक किला की दूरी पर बैठ कर गरीबदास जी ने नाम आवाज दी कि उसकी माँ का बाबू का दोनों का नाम आ जा भाई, थारा बेटा रोटी लेकर आया से। तो एक गादड़ एक गादड़ी बाज का महाराज जी के चरण हम लौट गए। भाई यू तो तेरा बाबू सर या तेरी माँ से, अरे इनका अगर रोटी दर दे भी तो दो चार चार रोटियां में थोड़ी थोड़ी खीर दर कर नहरे नहरे छालने पर रख दी। तो वह इस तरह खा के जानू कई दिन के भूखे हो, एक सेकंड मिनट नहीं लाए उन्हें चार रोटी खांदन और फिर बैठ के और ढोलकी से हो गए पेट उनके छकरे थे, पहले भूखे थे। गरीबदास जी महाराज ने बोले भाई ये तेरे पिताजी या तेरी माँ, और पंडित जी का खाण तो इनका पेट भर जाता तो बिरा ये मुंह कभी नहीं लाओ सुन कभी नहीं हो, क्यों पंडित जी तो छक्का गया होगा। बोला हाँ जी छक्का खा गया और बड़ा थाल ठोक के गया से। जब उसका छक्कर तर ये छक जाते तो बिरा मुंह का नहीं लाओ ये महाराज जी हम तेन बुखार रखे सा कती बंडा रखे सो। तो इस प्रकार उस लड़के का उस दिन समझ में आ गई, उस दिन के बाद उसने कनागता बात जोड़ दिया। अब महाराज कहते तुम रोज का डाको कनागत आया थी तीन रोटी खुआओ, कोई भगत आ जाए उसने भोजन कराओ और दो छात पर रोटी रोजाना बगा दिया करो, तोड़ का छोटे छोटे टुकड़े करके और दो कुत्ते डाल दो शाम सुबह। पहले रोज का कनागत अखंड कनागत हो गया आपका, सारी उम्र का सुख हो गया और अंत से में ढूल लग जाएगा इस दान का। पर गुरु ने गुरु से नाम जरूर ले लेना चाहिए, नाम बिना दान भी व्यर्था होता है। ये नियम से हम नियम तक कोई सा पालन नहीं कर दे और सुख बांट दे अपने घर में सारे, और भाई राजी खुशी से मौज हो रही से अड़क कहन कहन की मौज से मौज की शेख ही नहीं कर देख बो किसे का कोई रिश्तेदार कचेड़िया में फिटेगा ना के हाल था चौधरी साहब मौज हो रही से ठाठ हो रही से कचेड़िया कर मौज का की मेल कह तो महा दुखी जीव जाओगा और क्या किसी ने सतारा होगा पापी जीव कचोड़िया कचेड़िया में जाकर। और हाथ नो हाथ मिला रहा था नहीं इतने दिनों कहन कहन की फुर्सत से मौज से और हाथ हट देने रहा वकील लेना से कदे गवाही ठीक ना जा और भाई केरा होगा आज तक गवाही की पेशी से यानी घिग्गी बंदी रहे सबकी और सब नो का मौज हो रही से मौज तो बिराड उनकी होगी जो भगवान के नाम पाते जैसे आज बैठी है भक्तात्मा और कितने प्रेम से ईश्वर की चर्चा सुन रहे हैं। मौज तो होगी तो कदे न कहे होगी बाकी और का नहीं हो सकती ये सत्कर मान लेना। तो इस प्रकार हमने पता महाराज कहते हैं ये संसार समझदाना ही ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरे नू गरीब दासियों वक्त जाता रोओगे इस पहरे नू इस समय में रोओगे फिर हाथ नहीं आवेगा। तो इस प्रकार बताया है कि बहर सराद खान को आए काग महे कलमाही और सारा नबेड़ा करण से बंदी छोड़ गरीबदास जी के जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाए यानी सतलोक में चला जाता अगर ढंग से भक्ति करता वहां फिर ना धूप है ना छा यानी ना गर्मी है ना सर्दी ना दुख है और ना इस चीज को हम सुख समझते औलाद संपत्ति का ये वहां नहीं है। वहां तो इतना सुंदर शरीर मिलता है ना फिर मरता
अरबों संखों असंख्य वर्ष की हमारी उम्र हो जाती है उस लोक सतलोक के अंदर जाए पाछे। यहाँ तो हम 50-60 साल खातर आए हैं और इसने नाच कूद का दुख सुख पा कर गर्मी आड़े सतावे, सर्दी यहाँ सतावे, पड़ोसी यहाँ सता दे और मच्छर माखी यहाँ सतावे, और भाई हिंसक पशु के रखी इतने से को सांप काट जावे, को माखी काट जावे, को भेड़ खा जावे, 24 घंटे परेशान, फिर आड़े जान में जी नहीं करता। और इतना ज्ञान होते हुए जाए सरेगा, इतनी करड़ी आंख बांध रखी इस जीव की इस काल बली ने, या तो बंदी छोड़ भगवान इसे छुटवाने के लिए आए थे, रास्ता बताने के लिए कि लो जाप करियो, अरे इस प्रकार गुरु से उपदेश ले लेना। इस प्रकार ये सत्संग सुनकर वो गब्बू नाम का डाकू कहता कंडे से लकड़े, भगवान आत्मा ये नहीं होता कि डाकू मारा है तो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी वही आत्मा है। वह बेचारा गलती से यानी अपने कुसंगत में पड़ जाने से उस गलत रास्ते पर चला गया। जैसे वाल्मीकि एक डाकू था, डाके मारा करता था, और जब बेरा पट्टा उस सदन छोड़कर भगा के एक लो बैठ गया और महर्षि को आया, तो फिर क्या हुआ, उस गब्बू ने कान अपनी पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद डाके नहीं मारूंगा, अपना भक्ति करूंगा, फैसला हो गया। उसके साथी आगे ठीक समय पर उनके पास जाकर वो गब्बू कहने लगा, भाई डाका नहीं डाल दे, अब क्यों नहीं डालते, अकबर मैंने यू काम छोड़ दिया, अब काम छोड़ दिया। उनके साथी ने बोले, फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करी तने, अब तुम भी छोड़ दो, काम तो ना छोड़ा, नहीं छोड़ो तो भाई मेरी जदाद वहां पर पड़ी है, मेरे पैसे पड़े हैं 3,00,000 रुपये, तुम उन बांट लो अपने जाकर, आज हम इस सेठ के किसी का डाका नहीं मारना। बोले हमारा तुमने इतना घाटा कर दिया, 4,00,000 का 5,00,000 का डाका मारना था, वो हमारा पूरा कर दे। वो बोला कि मेरा जो सामान से पूरा 7-8 लाख रुपये भी पड़े हैं, वो जाकर अपना तुम बांट लो। वह तो पैसे हमारे तारे थे, वह तो उल्टे चले गए, वहां तो उनकी आपस में लड़ाई होगी पैसे बांटने के ऊपर, उसका गोली मार रहे हैं, उसका तीर मार रहे हैं, वादे टूटे मर गए। और गब्बू जो है उसने सोचा, सत्संग में बताई गई है कि अपने पाप कर्मों को ये भी काट लेना चाहिए, आगे बहुत दुखी हो जाएगा। अब जैसा भी उसने मार्गदर्शन हुआ था, उसने फैसला कर लिया कि मैं आत्मसमर्पण करता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अभी मिल जाए। वो जाके थाने में पहुंच गया, थाने में थानेदार, थाने का आगे संतरी खड़ा बंदूक ले। संतरी बोला, कौन सा, अक मैं गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का आधार उस संतरी की घीघी बंद गई, बंदूक भी छूट गई, कांपन लग गया सारा खड़ा खड़ा और बेहोश हो गया। क्यों, गब्बू उसने इतना भयभीत कर रखा था उस इराके को कि माँ भी अपने बच्चे ने नौका कर दी, बेटा सो जा, गब्बू आ जाएगा, इतना भय बांट रखा था उसने। अब वो अंदर चला जाता है थाने में, आगे जाकर देखा है दिन का निकलान सा हो गया था, थानेदार बैठा अपनी कोई विशेष काम कर रहा था। जाकर ने बोला, कौन सा तू, थानेदार बोला उसने गब्बू डाकू ने बोला, मैं सु गब्बू डाकू, गब्बू डाकू, गब्बू डाकू नो करके थानेदार भी कांपन लग गया, सारी कुर्सी हल है टागल सा वो हो गया, भाई एकदम यू आ गया, इसका मतलब चारों तरफ से हमको घेर लिया है, अरे को कुबद करने आस है। अब उस गब्बू ने सोची यू भी मरेगा, वह ठाक है कुर्सी और थाने के मैदान में बैठ जाता है। जब नो देख लिया थानेदार ने, गब्बू तो बैठा सर कोई बात खुड़का दुड़का नहीं हुआ, कतो देते हैं हिम्मत सीकरी, वायरलेस कर दिया अपने बड़े साहब के पास, एसपी के पास, जैसे ऐसे गब्बू डाकू थाने में बैठा है और नो का समन अरेस्ट कर लो। अब एसपी की हिम्मत नहीं पड़ी, उसने गवर्नर को कर दिया, उसमें अंग्रेज गवर्नर हुआ करता, उसको बताया गया कि जी गब्बू नाम का डाकू आज थाने में अंबाला थाने में बैठा है, गिरफ्तार कर लो। अब वो नो बोला, गवर्नर तब मैं छेड़ियों में आऊ, गवर्नर वहां पर आ जाता है और वो मैदान में बैठा हुआ। गवर्नर उसके पास जा कहता, कौन है तू, कि मैं गब्बू डाकू, क्या ते बताऊ, मैंने सारे ते बता ली, मैं गब्बू डाकू। गवर्नर खड़ा है, वो बैठा कुर्सी पे, तेन बोला यहाँ की करना आया, मैं इसलिए आया हूं कि मैंने बहुत खोटे काम कर लिए और आज रात में मैंने एक सत्संग सुना और उसमें पता चला कि मेरे जैसा नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, मैंने ना जाने कितने सुहाग सुहाग उजाड़ दिए,
फिर कितने बच्चों का खून कर दिया, कितने व्यक्तियों को मार दिया अपनी हंस बढ़ाने बुझाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। आज मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को काट काट कर टुकड़े कर दो और ताकि मैं अपने पाप कर्म को भोग कर चला जाऊं। इतनी गहराई की बात सुनकर अंग्रेज सहम गया, क्योंकि बहुत दिमाग के आदमी होता, बड़ा अफसर जोश है। उन्होंने बोला जाओ, हमने आपको बरी कर दिया। बोला मुझे बरी मत करो, अगर हमने तेरे सारे कसूर माफ कर दिया, बरी कर दिया। हम सजा इसलिए देते हैं कि पाप कर्म छोड़ दे। अरे तेरी तो पहले आत्मा कमल के फूल के ऐसी साफ हो रही है, आप जाइए बरी कर दिए। अब वो सहम गया कि भाई वो अच्छा काम बना, मुझे सजा नहीं मिली। तो वापस आ गया उसी के पास, संत के पास। पता चला कि भैया रात में सत्संग हो रहा था मैदान में, वो संत कहां बैठा। अब उस संत के पास जाकर उसके चरणा में माथा टेक कहने बोला, महाराज मैं बहुत पापी इंसान सो, मेरा आत्म कल्याण कर दो। तो बोला वे कौन सा किता ऐसा कि मैं गब्बू नाम का डाकू सो। अब गब्बू नाम का डाकू सुन का संत भी अल्लाह सारा। नो बोला जी मनो सारे काम छोड़ दिए, नो अपने जान बचान खातर, नो बोला भाई नो करते थाने वहां पर आत्मसमर्पण कर दे, अड़मन ने भी कमर हुआ उसे। नो बोला जी थाने में जाया, गवर्नर आ लिया, वो भी नो बोला जाओ हमने बरी कर दिया। फिर उस संत के शीड़क्षी हुई। फिर नो बोला बेटा देख मारा दो एक दुआई सर राम नाम जप्या कर। नो बोला वो चाहू सुमन राम का नाम दे दे, तो वो नाम उसको दे दिया। उसके बाद वो संत गब्बू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज से 250 वर्ष पहले की बात। बोल सतगुरु देव। तुम्हें समझना हो तो सना तुम काना पा कर टाल कर जाओगे तो थरी दुर्गति में पूरा साझा हो गया। यह बताया भाई और बात तेरा काम न आवे, तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संता शरण लागे रे, के सोए गफलत मैं बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमागे रे, तन सराम जीव मुसाफिर करता रह जमागे रे, रात बसेरा कर ले देरा, चल सुबेरा जागिरे, चल सुबेरा जागिरे। और बात तेरे काम नया संता शरण लागिरे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागिरे, जागे जागे नर जागिरे। उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दागरे, उमदा चोला बन अनमोला लगे दाग पे दागरे, दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आगरे, जले बिरानी आगरे। और बात तेरे काम शरण लागे, के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे, जागे जागे नर जागे रे। हाँ कोबज कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू होया मनुष्य से नागे रे, कोबज कांचड़ी चढ़ रही चत होया मनुष्य से नागे रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे, बिना प्रेम बैरागरे। और बात तेरे काम नया वे तू संता शरण लागरे,
के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागे रे जागे जागे नर जागे रे पर सुमर सोहंस कावे कामी करो दी कागरी अर सुमर सोहंस कामी करो दी कागरी बौरा नबर में विसके वन में चल बेगमपुर बागरी चल बेगमपुर बागरी और बात तेरे कामना तू संता शरण लागरे के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागरी जागे जागे नर जागरी शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहा गिरी शब्द सैन सतगुरु की पाया अटल सुहाग नितानंद महबूब गुमानी प्रगट पूरण बागरे प्रगट पूरण बागरे और बात तेरा काम नया संता शरण लागरे के सोए गफलत में बंदे जागे जागे नर जागरे जागे जागे देखो और बात तेरा काम नहीं आवे संतां शरण लागरे अरे भाई के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे। देखो इन संतां ने के लेना था अपने ते हमारी दुर्गति को आगाह करवाने के लिए कि जिन्होंने राम नाम नहीं लिया उनके लड़के बनेंगी और जिन्होंने भगवान बजा उनके साथ कितना सुख हुआ। जैसे आज मीरा बाई को कितनी आदर की दृष्टि से गाया जाता है उस बाई का नाम लेते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि जिसने राम नाम के ऊपर इतना संघर्ष करके अपनी आत्मा कल्याण करवागी। और जब लग धरती और पृथ्वी और आसमान रहेगा मीरा बाई के नाम ने कोई मेटनिया नहीं है। और जो आज खानदान की बनी बैठी से वो बेटियां वो कुतिया बने बनी हांडेंगी तीन से कुतरु मरे जन्म का कोई याद नहीं करता। और जो राम नाम कर जाएगा हिम्मत सी करके तो जब तक धरती और आकाश रहेगा उसके नाम न मिटनिया नहीं है। तो इसी प्रकार हम मनुष्य जन्म पाकर के भक्ति नहीं करांगे तो और कौन से जन्म में करेंगे। और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लागरी भाई के सोवे गफलत में बंदे तू जाग न जाग नर जाग रे। जागना क्या चीज है कि इनको बदने छोड़कर भक्ति कराया करे। जिस जायदाद और औलाद और माया को तू अपनी मानने बैठा सी या तेरी नहीं से भाई। एक लड़की एक औरत जो है उसकी तीन लड़कियां का ब्याह पांच लड़की थी उससे उसका और बात नोतने के लिए गई। हमारा एक सेवक है संतराम उसकी मामी थी वह बात नोतन खातर गई हुई थी। बात नोत का उल्टी आई थी रोत के अड्डे पर खड़ी और बेचारा में इतनी खोरी के भाई ने नौका का इसू या बात भूलगी मान कहनी इस प्रकार के सो बेचार लारी अग फलानी चीज ले आइयो रे दकड़ी ले आइयो भाई नौकरियो है। इतने में एक ड्राइवर जो सा बस ने बैक करे था कंडक्टर ला गया पैसे देने खुले पैसे जो बकाया होते हैं यात्रियों को और वो अकेला ला गया बस ने करण उसने दिखी को ना वह बस टेडी ला करके वो थाम का सारा खड़ी थी बस बीत और थाम बीच आ गई उड़े पटका आध घंटे तड़प का पट दे ही मर गई। अब विचार करो हम भी उसी खाते में बैठे के देखो ने सोचा मारे के लिए काम नहीं बनेगा एक मिनट पहले वह बिरा निकड़े ताई के जुगाड़ लाई बैठी थी अरीब करा की तो बेचारी कुतिया बन कहां देगी। तो संत कहते हैं कि ये राम नाम लो ये जागो थोड़ी बहुत उस ईश्वर ने भी याद कराया करो। सारी उम्र खो दी एक पेट भरे और कार्ड आए और दौड़ का धन कोठी बना दी है ये साथ कौन जावे ये तो बक्कल उतरन का काम कर लिया अपन। इसके साथ साथ एक राम नाम पूर्ण गुरु से लेकर के अपना भक्ति करते रहो और वही वो काम भी करते रहो फिर देखियो तमाशा परमात्मा का। तो यहाँ बताते हैं कि उमदा चोला हाँ ये तन सराम जीव मुसाफर करता रहे दिमाग रे राम भी रावण भी गिरना के साहब ला रहा था और बक्कल उतरा तो सारा परिवार भी नष्ट और वह सोने की लंका भी वही रहेगी। उमदा चोला बना इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दमागरे भाई रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्यागरे।
ये सारा जन्म एक रात की तरह होगा, जैसे सोपन में रात आकर, और जब ये सोपन टूटेगा, जब ना बेटा ना बेटी, और लठम लठावड़ा यम के दूत नारे करेंगे, इसकी टट्टी और पेशाब निकल जापला तो उनकी, जब ये मरस है और जितने सांस चाल नहीं इतने धरती तोल जासे, फिर इसने नोबेरा पट जागी बूंदी बनेगी। इबा नहीं जसदी जब तक हम शरीर फ्री चाल रहे हो, और जब खाट पकड़ जाएगा किसी बीमारी के कारण, जब इसने खूब दूर ताई की सूदन लाग जैसा गरीब के बनेगी। तो संत उस दुख को पहले यादवान खतरा कि भाई काम भी करता रहे, तेरा शरीर भी ठीक रहेगा, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, और जदाद औलाद भी बढ़ेगी, पर एक राम नाम ने ना छोड़ी। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, या दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा बिरानी आ गिरी। जैसे आपने पाछा हमने पेपर में पढ़ी थी कि गवर्नर था दो स्टेटों का, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, और एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाने से मर गया, उसकी पाछे तो खाली करने लगे राजभवन को, उसमें 40 करोड़ रुपया एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ उसके कमरे में पाया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। 40 करोड़ रुपया फुल बॉडी के ट्रक में चालक होनी, इतनी करेंसी हो जैसे, और उसका कोई हिसाब नहीं वो कहां से आया, यानी उस चोरी से रखा हुआ। अब वो धन जोड़ने में उसने कितने हथकंडे अपनाए होंगे विचार करियो। अरे वो लेकर के गया, अपने बच्चे भी समाप्त, गिल्ले मर गया उसका, औरत भी, उसका लड़का भी, वो भी, यानी 10-12 व्यक्ति एक हेलीकॉप्टर में थे, 10-11 वो सारे मर गए, एक बच्चा था उसका छोरा। अब हिसाब लाओ आप, इवन के लागली क्यों बनेगी, जिसने वो अपनी समझ का जोड़ा करता हुआ उसके साथ नहीं गई माया को। आरी पागली बता रखी है कि फिर उसकी वो अपला तो रानी थी ना, जो गवर्नर बनी पर फिर थी, आज वह कुतिया बनकर डोवेगी डले, और वो बनेगा दुनिया का गधा और बैल। तो संत कह इसको बदने कैंसर पे धरिया वीरा, दोगरी ईश्वर बज लिया करे, अरे इतने बूंदे त्रिया मत ना गोबर के बूंद की, इतना ग्रोली भर भर के इस माया जोड़न की खातर लग्या रहे। महाराज के मेरी शरण मात्र, फिर माया भी दूंगा, परिचय ढंग तो दूंगा जो तेरे को दुखी ना करेगी, जितना चाहिए धन ले लो। गरीबदास महाराज का सेवक के मतलब संतों का एक सेवक पंजाब के अंदर लाला जी, अब वो बहुत अरबपति भी कह जाए तो भी थोड़ा है, इतना उसके पास जायदाद है, पर वो परमात्मा के नाम नहीं छोड़ता, नो कह उसकी से मेरी नहीं से। उसको छोटे दो भाई थे, वह बड़ा औलाद एक और था और छोटा, छोटा जब गोदिया था, बड़ा मड़ा सा पाए चाला था। उसका बाप मर गया, बाप मर गया था, हकीकिया ने उसको कुछ नहीं दिया भाइया ने, वह उसके अपने बच्चा लेकर उड़ा चली गई अपने बाए के पियर में, पियर में भी ना उठी, फिर आगे उल्टी, एक दो मकान तो दे रखा उसको, और बेचारी का कोई साधन नहीं खान का, और रोए रोए डटे नहीं। उसकी पड़ोसन जो है महाराज गरीबदास जी का एक संत थे भूरी वाले, उनके पास सत्संग में जाया करती, जब वो लुधियाना आ जाते थे, लुधियाना के साथ में ही वो गांव है, हाँ लुधियाना की बात से। उसके दुख ने देख कर एक और साथी ने बोली, तो आज चल महाराज जी आ रहे सत्संग हो से, और उन्हें अपना दुख रोइए ध्यान के मैं सुन लेते हैं। वन बोली चाल बेबे, अग्नोरों के काम चल है, तेरा और सामान होगा, चल सत्संग में आ गई। दोनों बच्चा ने ले रही, एक लड़का छाती मतलब दूध पीवा करता, चूची ले था छोटे वाला, और सत्संग शुरू हुआ, और छोटे वाला बच्चा रोना शुरू कर देता है। महाराज जी कहने लगे, बेबे इस बच्चे ने बंद करो, दूध दाद ला दो, चूची ला दो इसका, सत्संग में शोर नहीं कराया करते। उस लड़की ने वो अपनी दूधी मुंह में दे दी छोरे का। अब वो 5-7 मिनट तक चुप रहा, फिर रोन लग गया, तो भूरी वाले बोले, सुना नहीं तुमने, शोर ना करो। न्यू कह कहवा उसकी मां भी रोन लगी ठाडो बुरी तरह। अब संत महाराज कहने लगे, वैष्णाग्य ला बुलाओ, की बात होगी। वह नहीं बोल सकी, उसकी इतनी सबकी बंदगी की बोल भी जवान नहीं पाटा थी। उसके साथन जो आ रही थी, वाने बोली जी या महा दुखी से, कि बके दुख से बेबे, कि नूर नून के हकीकिया ने सबके में दाब लिया, ना को दुकान दी, इनके छोटा सा अनबालक इसके पिताजी छोड़ के मर गए, और इन बेरा नहीं था कि हिसाब किताब से, और कोई लवन लगन देता इसने, और यह इतनी भूखी है कि इसके दूध मतलब सतना में दूध भी नहीं रह गया, जरूर रही थी थोड़ी देर, तो उसने पिया, फिर दूध था ही नहीं ठंड में, उस दूध
फिर वो आपका फिर रोन लग गया। बोला जी रोटी भी दोनों हो जाए सॉरी की। बोला अच्छा बेटी नो करे, एक तो तू नाम ले। बोला अच्छा और छुड़ानी माथा टेक का फिर देख बंदी छोड़ का के। न बोले जी किराया भी नहीं से क्यों लो जी यहाँ से आकर फिर रेल माया कर को तो साथ में। बोले जी मैं ले जाएंगे मैं इसका माथा लाऊंगी टकवा। वह लेगी माथा टकवा लाई माथा टेक का आ गया। 15 दिन के बाद ने पत्रा सुधवाया उन उसके हकीकी सेठा ने। पत्राला ने बोला भाई देख इस थारा भाई मरिया से कहा उसका सारा हिसाब किताब कर दो ना थारी शायद से तो ना महीने भीतर खर नष्ट हो जाओगे सारा परिवार तुम्हारा। ये किसी संत की कृपा हो रही सैन के ऊपर। तब तो हाथ जोड़ के नो गए बेबे को बेटी को बहू ये कि मेरे जमा दी हारा सा तो शिव अपना ले ले या फलाना से। एक महीना पकड़ नहीं दिया सारा उसको दे करके और हाथ जोड़ के बोले अपना दुकान संभाल। अरे यो थारा हिस्सा आया था आज उसके हमसे कमी 300 पेट्रोल पंप चल रहे और 200 कार की कमी नीर कोठी की। अरे आप उसको देखियो सुडानी माओ का लाला नाम से लाजपतराए लाजा कह कर उसने आड़े तो ज्यादा कच्चा और बूंदा सा कुर्ता पैर के नू अंडे जागा। सत साहेब जी सत साहेब जी। और उसने पूछ कर देखो नो कहा भगवान से तो छुड़ानी से और कितना नहीं तो हम धन चाहो तो धन लो उस पर और भाई औलाद ना हो तो औलाद लो। आपको ऐसे प्रमाण दिखा दें जो कि आप हैरान रह जाओ बंदी छोड़ दो वो काम करके दिखाए गरीबदास जी। पर हम जो है उल्टी रास्ते में तोड़े पकड़ा है उल्टे ने बतावा तो बहुत देर तक समझ में आओ क्यों हम युगा युगा तो उस रंग में रंग रहे। अब हम मन जो पाछा छोटी मोटी मान को ला रखी से घर में अठम नौमी छत सातम दुआ स्त्रोत की तो वह नहीं छूटा थोड़ी सी क्यों नहीं छूटा कदे वह खा जा हमने पाछे थे आज वह मान छोड़ दर तड़का हमने खाना जा इतना डर बैठा रखा है। हम आपको बताओ महाराज द्वास की मान थी और जो है ईब हमने जो है ना 8-7 साल तो छोड़ दी से उस टाइम पहले हम द्वास दौड़ जाया करते थे गाँव है उसमें द्वास की मान जैसे हम जिको किता मान रह को किता है और घर में जो टोटा होना छक्का होया करता जो नुकसान पशु भी बिगड़ जाते बीमारी भी हो जाती और छक्का नुकसान हो जाता और फिर भी नौ दौड़ जरूर जाना बुढ़िया नौ कहती जो तलाक आई ओड़े कई बार हम भी गए साइकिल ठाठा के थोड़ी दूर पड़ा 10-12 किलोमीटर और नुकसान जो कहते हो तो उस मान ने के सर पे घर का चाटा जिस तक सारा इना लाग रहा हो तो बंदी छोड़ की सुनवा के श्रीमान करके देखो तुम 1 साल करके देख लो फिर आगे बेशक ना करियो। और हम कहने दान धर्म करो ना कदे घर बैठ कर मान मान करें जाओ यानी जो हम नाम बतावे जिस विधि बताओ उस तरह आप करके देखो और छुड़ानी पर माथा टेक क्या करो कुछ ज्यादा तकलीफ हो तो हम उसकी और विधि बताते हैं और आपके हाथ से आपका ही धर्म करवाना हमने नहीं चाहिए कुछ भी उसमें ताकि आपकी वृत्ति बदलनी है कि हमने धर्म छोड़ दिया शुभ कर्म छोड़ दिया जो कि शुभ कर्म जिससे हम सुखी होया करते वह सारे छोड़कर सुख की बाट देखा ऐसे सुख न होया करते को सोचा नून क्या हम पा जाएगा सुख सुख के काम करने पड़ेंगे जैसे आज इस घर में हो गया भगवान की कथा हुई जितनी भक्तात्मा उनका हाथ जोड़ के कैसा जो भाई भोजन पा लो चाह पी लो भाई रोटी खा लो भाई क्यों कैसा इसका प्रयोग छोड़ेगा साढ़े सिर्फ इसलिए कि इसने पता चल गया कि धर्म बिना गुजारा नहीं से आदौड़ समागम इसमें छोरे ने करके दिखा भगत सुंदर दास ने तो इसके कोई शुभ संस्कार और साथ में आपके भी पुण्य कर्म है जो आज सत्संग में आए सो। तो इस प्रकार कहा कि उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पर दाग रे ये 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिराणी आग रे हम बिराणी आग में जड़न लाग रहे सर अपना नाम भजना नहीं बाकी डोई ढूंढ पे लाग रहे सर उसमें कोठी बना ले बंग अर भाग भी ना हो भी ना बनना सब अमीर बनना चाहे कितने बन रहे हैं अमीर हिसाब लाग देखो जो जिसे पिछले जन्म में करके आया था आज उसको जो का तो मिलेगा और फल तो मिला नहीं 1 इंच और अगली ईब बनानी अगर हमने चाहिए तो ईब जो डोटा मारना पड़ेगा। अब शुभ कर्मों से कैसे लाभ होता है एक बार द्रौपदी राजा द्रौपदी की लड़की बिना ब्याही कुंवारी थी और उसके पिताजी ने गंगा के ऊपर एक घाट बनवा रखा था उस घाट में वह नहा जाया करती अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ
एक दिन की बात है, द्रौपदी बहुत धार्मिक थी, बचपन से परमात्मा में रुचि थी। उसने देखा कि घाट के साथ में जिधर पानी जा रहा था उसने गंगा का बह के वहां एक अंधा महात्मा स्नान करने लाग रहा, और उस बेचारे की लंगोटी टूट गई और वह पानी में बह गई और छाती पानी में खड़ा रहने हाथ मार। अब द्रौपदी ने देखा कि महात्मा सुबह सुबह बड़े अच्छे भाग मेरे साधु का दर्शन हुआ। कहते साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दस दर्शनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का साहेब आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी के दिन बाद। उसने सोचा द्रौपदी ने जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं और फिर संत के पास बैठ कर दो घड़ी सूर की चर्चा करेंगे। स्नान कर लिया, सैकड़ों सहेली थी सारी ना भी ली, घंटा लग्या, फिर देखे तो महात्मा न्यू करने लाग रहा से। अब द्रौपदी का जो है अंतःकरण साफ हो चुका था, ये दृष्टि खुली हुई थी। उसने देखा कि महात्मा तो नंगा खड़ा से, और बेचारा श्रम का मारा बार नहीं आवेगा। तो द्रौपदी ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में एक बलांत का टुकड़ा पाड़ कर पानी में गेर दिया कि हो सकता महात्मा का हाथ लाग जाओ। अब राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी साहब, लाग देखियो आप। अरवा चांदी ने दूसरी सहेलिया ने एक भी इशारा कर देती, उसकी बांधी दासी भी साथ में थी, कि तम पाड़ दो अपनी साड़ी में टुकड़ा, वो साड़ी की साड़ी घेर सके थी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि राजा की लड़की से जाए पास तुमने किरा के सुंदर साड़ी दे देगी, लेकिन उसने इतना मौका उनको नहीं दिया। वह जाने थी कि रोटी मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, और यह खाओगी तो इसका भरेगा, दान मैं दूंगी तो मुझे मिलेगा, और यह देगी तो इसने मिलेगा। वह इतनी जानकार थी, उसने अपनी साड़ी में एक बिलात का टुकड़ा पाड़ा और गेर दिया, नहीं हाथ लग गया, दूसरा गेरा, तीसरा गेरा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि 7-8 को पीन बहाई, और वो दोनों बैगी पर हाथ नहीं लग गया। आखिर में हिम्मत नहीं आ रहा, छोरी ने एक बिलात का और पाड़ा और एक लंबी लाठी लेकर और उसका लपेट कर न्यू कर दिया गया। वो हाथ मारे था उसका कपड़ा हाथ में आ गया। हाथ में कपड़े काय पाचा हम देने, इतना ज्ञान बहुत ज्यादा होता है कि यू कपड़ा तो किसी छोरी का से कोई चीर से साड़ी सूड़ी का कपड़ा से बांध कर उस समय एक और पाड़ी एक आंगल की चौड़ी लकीर सिवा तागड़ी की जगह बांधी, और वह लंगोटी बांधता हुआ नो बोला बेटी आज तेरा मेरा पर्दा रखा भगवान तेरा रख। अब देखो महाराज कहते हैं मम संत सेवा करते हैं जो राजी, मैं बिछड़ो नहीं ताज से चाहे अंत जाओ बाजी। और धर्म तो दसके नहीं थे, दसके तीनों लोग खैर आए तुम्हें खैर है भाई की जो आत्म, अगर सब खैर चाह अपने घर में खैर का काम एक नहीं कर दे। तो द्रौपदी अपना देख कर उसको कपड़ा देकर आ जाती है, ब्याही गई अर्जुन के साथ, पांचों पांडवों के साथ। आगे आपने सारी कथाओं का मालूम ही है कि जब द्रौपदी ने नंगा करने लगे उस समय उसने उसके पांचों पांडव वहीं बैठे थे, जो एक से एक बलशाली ने जो धरती तो उलदा, और किसी ने ऊपर नाड तक नहीं ठाई जब वहां पर उसको नंगा किया जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं को तो प्रण में बंध गया, और किसी ने दो टूक खा लिए दुर्योधन के, तो भीष्म पिता में द्रोणाचार्य के सिवा नीचे नाड कर गए क्यों उसकी रोट खावे थे। तारक कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा सारा देश है। जब देख लिया द्रौपदी ने कहा सब ये नंग बैठे हैं, जिन्हें तो अपने समझे थी, जिनको ऊपर चौड़ी हुई हंड थी कि ये तेने कुछ नहीं करने देंगे तेरा आज तो ये तो कुछ भी काम नहीं आए। जब उसने ध्यान लगाया कि परमात्मा सबका साथी होता है, उस समय अर्ज करी तो उसका उसको क्या फल मिला कि परमात्मा ने आकर के उसकी साड़ी बधाई। क्यों बधाई? कि उसने पहले एक मिलात का टुकड़ा दे रखा था, बिना दिए तो 300 बेजती हो छोरिया की वह के रोंदी नहीं, क्या वह भगवान याद नहीं करती जब उनकी इज्जत टूटी जाती है, उनकी क्यों नहीं बचा होता? क्योंकि उन्हें कभी धर्म नहीं कर रखा, कोई पुण्य कर्म नहीं करा कभी भी। अगर ऐसा करके फिर अर्ज करे जब परमात्मा मदद करा करे। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना को, और जब सुख में सुमन कर लेते ऐसा दुख नहीं हो। द्रौपदी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सुख में सुमन कर रखा था, सुख में दान दे रखा था, और नी इच्छा दान दे रखा था, उसने कोई आशा नहीं रखी थी कि मैं एक बिलात की लीर दो तो मनुष्य का बदला बहुत कुछ मिलेगा। महाराज कहते हैं बिन इच्छा जो दे तैसो दान कहावे, और फल बाचा नहीं ताज का वो अमरापुर जावे। आज भगत समुन्द्र दास की कमी से बच्चा की जगह बच्चा दो रोटियां का साधन खूब से, ये जो समागम इसने नी इच्छा करवा रखा है परमात्मा के नाम पर करवा रखा है, यह सब गुना हो करके इसको इसके भजन में हमें सहयोग देगा, और काम तो इसको सरे सरेंगे। इसलिए कहा कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचा नहीं ताज का फिर अमरापुर जावे। तो इस प्रकार कहते हैं
जब द्रौपदी का चीर उतरन लग गया उस समय उसने ईश्वर को याद किया तो कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ छात पे बैठ कर पासे खेला था चौपड़ सार। उसी समय एक तरफ तो पासा डाल कर नो बोला अनंत, वह उसने हाथ पकड़ के नो बोली अनंत क्या तो कह मन सारा समझा के देखो। तो कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई कर के हाथ में पकड़ कर हंसन लागी नो बोली अनंत क्या तो कह जी मन सारा भेद बताओ। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई अंत कहा मोको समझाई कृष्ण जी बोले दूसरा सर मेरी भक्ति सकल वश करी जय मेरी भक्त पे छोड़ी हुई तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। आज मेरे भक्त पे कष्ट आ गया तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा अगर मैं आज मदद नहीं की तय। तंदे ही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी खेचत खेचत खेच कशीसा पेशर पर बैठे है जगदीश ब्रह्मता के चीर बढ़ाए ये शंख शंखों पार नहीं पाए। अब तक द्रौपदी के चीर बढ़ लिया दुशासन थक कर छोड़ देता है वो अपने महल में चली जाती है। महल में जाने के बाद अगले दिन कृष्ण जी आ जाते हैं उनके चरणों में पड़कर द्रौपदी रोन लागी ने बोली भगवान आज जो मेरी इज्जत राखी सब किस पुण्य का कर्म मुझे फल मिला। द्रौपदी तना नहीं बेरा था मुझे मालूम था कि तेरे साथ ये कष्ट होगा तेरे हाथ से पहले दान करवा दिया था हे महाराज मैंने कोई दान ऐसा नहीं कर रखा जो कि जिसका फल ये मिला अपनी देव दृष्टि से उसको दिखा के देख तब तो ब्याही भी नहीं थी और अपने सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी जब एक संत को एक भक्त को एक विलांत का टुकड़ा दिया था साड़ी मत पाड़ के और उसका फल तुझे यू दिया मैंने अगर तू यू ना दे रही होंगी तो मैं आज तेरी कोई मदद नहीं कर सकूंगा तेरी कुछ भी बनना चाहिए। तो उस समय ने कहती हे भगवान एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार अर जय पहला जानती तो सबके में देती बार। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं देते को हर देते जहां तहां से आण और ना दिया वो मांगता करो फिर साहब सुना नहीं का फिर नहीं सुनता अगर आज नहीं दे रखा दोगे तो अगर थारी कोई मदद नहीं होगी और आज तुम धर्म करके देखो थारी कितना मतलब परमात्मा साथ देगा। कल भी बताया है शायद रामफल वो कल बताया था हमारे कल हाँ बता दिया। तो वो लड़का रेल में पड़ गया था उसकी माँ और वो बहुत सेवा किया करते पाठ करवाया करते करवाते हैं नाम ले रखा है तो पर रेल मत बचा दिया छोरा उसकी मौत मत काट लाए। ऐसे नहीं सैकड़ों गणवा दें आपको हमारे जो शरण माए उन बच्चों को कितने उनके माँ पिता को कितना सारा सहयोग दिया। तो ये करते को महाराज कहे कुछ करोगे तो मैं साथ दूंगा कहते सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।